टेस्ला जो है इंडिया में आने को तड़प रहा है कि हम इंडिया में भी, इंडिया ने मना कर दिया, आओगे हमारी शर्तों पे आओगे वरना मत आओ, चिंता मत करो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो मारुति भी बना रही है, टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, हमें टेस्ला से क्यों चाहिए। टेस्ला के दिमाग में यह है कि हम बड़े तीसमार खान है, हम आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन पर लेट जाएगी कि टेस्ला आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहां से, निकाल दिया उसको। इट कम्स एट अ कॉस्ट, न्यूट्रलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। अच्छा, इंडिया की बिना नमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इसका अर्थ यह है चीमा साहब, इसका मतलब यह है कि बिना यानी कि विनय यानी कि रिक्वेस्ट, न माने जलधि जड़ जो जल है यानी कि पानी है वो बेवकूफ, रिक्वेस्ट नहीं मानता। गए 3 दिन बीत, ये तो आप समझ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, गुस्से में श्री राम ने बोला कि भय बिन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। द और कोर मेजर गौरव आर्य कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इवन रामायण तक की जो चौपाई है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आजकल के लड़के अखंड रामायण में मुझे नहीं लगता बहुत बड़े नंबर पे पार्टिसिपेट करते होंगे, तो उन्हें रामायण पढ़ना भी आता होगा, वो शायद रामायण भी पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते होंगे। हालांकि ये टॉपिक वो नहीं है, इस टॉपिक में उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था, आगे आप वीडियो में देखेंगे। और बात हो रही है यहाँ पर भारत किस तरीके से अपनी जो मार्केट, अपनी जो कैपेबिलिटी है, जिस वजह से भारत का दूसरे देश एडवांटेज लेना चाहते हैं उसको कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है, उस बारे में बात हो रही है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, एक तो कमर्शियल पर्पस है, एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है ना, किसी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक कमर्शियल पर्पस है, इकोनॉमिक पर्पस है, एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है, राइट। तो व्हेन वी से नो टू चाइना, वी आर ऑल्सो सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इतना तो आप मानेंगे चीमा साहब, यू आर सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर रहे हैं। ये प्रेशर झेलना पड़ेगा अगर कोई भी मुल्क न्यूट्रल रहना चाहता है, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कल अमेरिका ने बोला या चीन ने बोला या लेट से जापान ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि जी हमारे पास बड़ा पैसा है, हम 100 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, आप ही। टेस्ला जो है इंडिया में आने को तड़प रहा है कि हम इंडिया में भी, इंडिया ने मना कर दिया, आओगे हमारी शर्तों पे आओगे वरना मत आओ, चिंता मत करो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो मारुति भी बना रही है, टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, हमें टेस्ला से क्यों चाहिए। टेस्ला के दिमाग में यह है कि हम बड़े तीसमार खान है, हम आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन पर लेट जाएगी कि टेस्ला आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहां से, निकाल दिया उसको। इट कम्स एट अ कॉस्ट, न्यूट्रलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। अच्छा, इंडिया करता कैसे है? इंडिया आज से नहीं कर रहा चीमा साहब, अभी थोड़ा सा क्या है कि इंडिया एग्रेसिवली करने लगा है, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से एग्रेसिव हो गया है इंडिया। लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि इंडिया सोवियत ब्लॉक में है, जैसे आज लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक में है। इंडिया ना पहले किसी के ब्लॉक में था ना आज किसी के ब्लॉक में है। इंडिया तब भी नॉन अलाइंड मीट की बात करता था, पहले नॉन अलाइंड नेशंस को लेके इंडिया चलता था। आज भी इंडिया न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री वैल्यू इसी में है। या तो फिर ऐसा मामला बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जैसा मामला हो, जहां पे फिर क्योंकि आपका, आपकी तारीख, आपका इतिहास ऐसा रहा हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, 1000 साल से लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, फिर बोला कि साहब अभी शांति वांति चाहिए, अमन चाहिए, कोई झगड़ा झगड़ा नहीं करना, चलो मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, ठीक है। तो सब आपस में फिर बोला कि नहीं वीजा भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, शेंगन का एक वीजा लगा हर एक मुल्क में, आप छोड़ के इंग्लैंड आप हर एक मुल्क में जाइए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वैसा हो, अगर वैसा नहीं है तो आई थिंक न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट बेट, इसलिए इंडिया कर रहा है। प्रेशर इंडिया को बहुत पड़ा है, आपने S-400 का जिक्र करा, S-400 का जबरदस्त प्रेशर आया, कैटसा की बात हुई, यू नो इट बेटर देन मी चीमा साहब, कैटसा की बात हुई कि इंडिया के ऊपर हम ना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ये कर दो, इंडिया ने बोला लगा दो यार, देखते हैं लगा दो। चाइना ने बहुत धमकाने की कोशिश करी, तुम अगर ये करोगे तो हम ये कर देंगे, लग कर दो यार, तुम देखते हैं क्या करते हैं, हम भी तो देखें ना। ऐसी बात तो नहीं है कि चाइनीज रोटी खाते हैं हम घास खाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, देख लो कर लो, तो देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा। इंडिया ने बहुत पहले चीमा साहब, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इंडिया ने बहुत पहले ना, हमारे हिंदी में कहावत है ना, पेट पे पत्थर बांध के सोना, आई डोंट नो आप इसको अंडरस्टैंड करते कि नहीं करते, हमें आता है पेट पे पत्थर बांध के सोना, हमारी रिक्वायरमेंट्स कम है एज अ पीपल ना, एज अ पीपल हमारी रिक्वायरमेंट कम है, एज अ मिडिल क्लास हमारी रिक्वायरमेंट कम है। हाँ, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी, लेकिन कोई ऐसी नहीं कि जिसको, किसी को बहुत ज्यादा अय्याशी की आदत होगी कि हमें हर चीज, यू नो, लार्जर देन लाइफ, लाइफ फॉर अस इज नॉट अ करण जौहर मूवी, यू नो, कि सब कुछ स्विट्जरलैंड में ही शूटिंग, ऐसा नहीं है।
कोई कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए कोई बात नहीं, पंखा खोल लेंगे, वी मैनेज। अच्छा, ये जो आदत है हमारी कि हम मैनेज कर लेंगे, ये जो माइंडसेट है चीमा साहब, इससे क्या हो गया है कि इट हैज हेल्प्ड अस स्टे ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर। हमने ईरान से तब तेल खरीदा जब दुनिया नहीं खरीद रही थी डर के मारे, और जरूरत नहीं थी भारत को ईरान से तेल खरीदने की, उस समय जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज की तारीख में ठीक है हमें सस्ता तेल मिल रहा है, नो डाउट, नो डाउट हमें सस्ता तेल मिल रहा है, बट इंडिया का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ सस्ता तेल मिल रहा है इससे, ये तो एक बड़ा मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है चीमा साहब। इतना सस्ता मिलेगा तो कौन मना करेगा, आप ना मैं ना कोई, कोई मना नहीं करेगा दुनिया में, इतना सस्ता तेल मिलेगा, एवरीबडी विल बाय इट। द रीजन इज नंबर टू रीजन, नंबर वन रीजन इज इकोनॉमिक, नंबर टू रीजन इज ऑल्सो दैट इंडिया वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बॉस एक मिनट ठंड रखो, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। अमेरिका ने बोला कि हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, वो पेट्रियट शेट्रियट जो भी मिसाइल है, हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट दे देते हैं। यहां तक कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई, स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंडिया स्टिल वेंट अहेड एंड बॉट द S-400, इंडिया S-500 भी खरीदेगा। नेगोशिएटिंग पावर जो है अमेरिका के साथ, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया कैन डिफाई अमेरिका एट विल। ये रिवर्स साइकोलॉजी है चीमा साहब। जो आदमी आराम से लेट जाता है, जो आदमी आराम से बात मान लेता है, उसकी इज्जत नहीं होती, चाहे वो आपकी बात ही मान रहा हो, आप ही की बात मान रहा हो चीमा साहब, वो पैर पकड़ ले आपके, चीमा साहब आप, मैं आपको भगवान मानता हूं, वो आपके पैर पकड़ ले, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। जो आपके आंखों में आंखें डालेगा, आप घर पे बैठाएंगे, उसको चाय भी पिलाएंगे। और ये इंडिया के डे वन से पॉलिसी रही है। हम यू नो कि IMF आया एक बार, उसके बाद IMF को घुसने नहीं दिया। वी अंडरस्टूड कि हमें अपने ठीक करना, हमारा सिस्टम गड़बड़ है, इकोनॉमिक सिस्टम हमें ठीक करना, एक बार कर कुरा के खत्म करा 90s में, उसके बाद से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इकोनॉमी इज गोइंग फाइन, ऊपर नीचे चढ़ाओ उतराओ जैसे दुनिया के रहते हैं वैसे हमारे भी रहते हैं। तो ये माइंडसेट एट प्ले है जी मतलब। अच्छा मैं सब, आपने एक बात की इस न्यूट्रलिटी को समझने के लिए, एक और बात मैं समझना चाह रहा हूँ। आपने अपने आंसर में एक बात की कि इंडिया इज एग्रेसिव, बोलो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड बीइंग एग्रेसिव, क्या लॉजिक है? मतलब क्या आपको जिस तरह फॉर इंस्टेंस कोई ना तो कोई लंबी चौड़ी जंगें हुई हैं कि भाई बंदे जो है वो मरे हों, तो बंदा वो एक जो है वो उसमें होता है, जैसे कोई एक बोल कहता है मैंने दूसरे से बदला लेना है। व्हाई इंडिया इज अग्रेसिव, व्हाई इंडिया बिलीव्स के मुझे अग्रेसिव होना है? क्या इंडिया ये समझता है कि उसकी उसका स्टेटस ज्यादा होना चाहिए वो कम है? क्या इंडिया समझता है कि हमें उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए? मतलब क्या है लॉजिक बिहाइंड, सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन पावर तो इंडिया असर्ट कर रहा है या इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, इसकी लॉजिक क्या है? इंडिया माइंड क्या ये सोसाइटी में लॉजिक है, ये चीज है, ये पॉलिटिकल क्लास में, गवर्नमेंट में, खासतौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये माइंडसेट है, ये है क्या बेसिकली? चीमा साहब मैं आपको एक बात सुनाता हूं। बात रामायण की है तो उससे आपको माइंडसेट समझ में आ जाएगा। तो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माँ को जब लेने गए थे तो यू नो रावण उनको हर ले गया था, किडनैप करके ले गया था। तो समुद्र के तट पे यानी कि सी सी शोर पे वो थे। अब वो पार कैसे करें, वो पार कैसे करें, वो लंका कैसे जाएं, क्योंकि उस जमाने में ऐसे बड़े शिप्स शायद नहीं होंगे जो भी है। तो उन्होंने 3 दिन पूजा करी समुद्र की। ही प्रेड टू द गॉड ऑफ द सी कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, यानी कि आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें रास्ता दीजिए, मैं पार जाना चाहता हूं। 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। 3रे दिन गुस्सा होके उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, अपनी बो एंड एरो जो कहते हैं तीर कमान। तो इसके ऊपर एक लिखा है कि बिनय नमानत जलधि जड़ गए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के कमर चीमा के साथ बैठे हुए थे मेजर गौरव आर्या। एज़ यूजुअल आप मेजर गौरव आर्या को सुनते हैं, हर बार नई कुछ नॉलेज मिलती है, और इस बार पहली बार शायद उन्होंने रामायण की जो चौपाई है वो पढ़ी, तो डेफिनेटली सुनकर अच्छा लगा कि यार बहुत बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग ऐसे मतलब हर करंट अफेयर दुनिया भर का ज्ञान रखते हैं तो शायद उन्हें इस चीज़ में
नॉलेज ना हो, लेकिन मेजर गौरावारे ने चौंकाया मुझे। और मैंने बात की कि रामायण बघड़ा पढ़ना शायद नहीं आएगा आज के लोगों को, मुझे भी नहीं आता। ऑब्वियसली जो है तो है, कोशिश की तो आ जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। प्रैक्टिस से ही बनते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो जो अखंड रामायण होती है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करें तो आपको पता चलेगा आप कैसी रामायण पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी भारत किस तरीके से मतलब एग्रेसिव अपने आप को जो यूज़ कर रहा है। मतलब जैसे भारत में कोई कंपनी आती है, मार्केट भारत का पसंद करती है, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाना चाहती है या कुछ भी करना चाहती है, तो वो अपनी शर्तों के हिसाब से नहीं लगा सकती, भारत की शर्तें रहेंगी। टेस्ला का एग्जाम्पल दिया है एलन मस्क, आपने देखा होगा वो काफ़ी बार इस टॉपिक को लेकर ट्वीट पर खुलेआम बोल चुके हैं। उनको अगर कोई पूछता है कि टेस्ला कब आ रही है इंडिया, तो वो खुलेआम बोल देते हैं इंडियन गवर्नमेंट और ये और वो। मतलब टेस्ला क्या चाह रही थी, टेस्ला चाह रही थी कि जो टेस्ला कार है, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसके पार्ट्स बने कहाँ पर, चीन में, और यहाँ पर आकर वो असेंबल होकर बिके। तो इंडिया ने साफ मना कर दिया कि यहीं पर आपको पूरी बनानी पड़ेगी, फिर बेचो आप, और अगर वहाँ पे बनेगी तो इसके प्राइस हम डबल कर देंगे। आपने देखे होंगे शायद इस पर वीडियो। तो उसके बाद टेस्ला की हवा निकल गई, तो टेस्ला ने सोचा अगर डबल हो जाएगी तो इतना महंगा तो कोई लेगा नहीं, उससे अच्छा फिर टाटा ले लेगा, मारुति ले लेगा।